बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ई स्क्वायर स्कूल सिस्टम घोट की यूट्यूब चैनल। दिस इज़ लेक्चर ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ फॉर क्लास 3। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर इस्लामिक स्टडीज़ का चल रहा है, जिसके मैंने आपको पेज 9 तक रीड करवा दिया। आज हम इस लेक्चर में पेज नंबर 10 सूरह फातह पढ़ेंगे, सूरह अल फातह पढ़ेंगे। इसके हवाले से जो डिटेल दी गई है आपके इस बुक में, वो हम पढ़ेंगे। सूरह अल फातह इज़ द फर्स्ट सूरह ऑफ द होली कुरान। सूरह फातह कुरान शरीफ की पहली सूरत है। इट हैज़ 7 वर्सेस, इसमें 7 आयात हैं। दिस सूरह इज़ रिसाइटेड इन एवरी रकात ऑफ अ प्रेयर। ये सूरत नमाज की हर रकात में तिलावत की जाती है। इट टीचस हाउ वी शुड प्रे टू अल्लाह आलमाइटी। ये सूरत बताती है कि हमें किस तरह अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। वन हु रिसाइट्स सूरह अल फातह, अल्लाह एक्सेप्ट्स द प्रेयर ऑफ द पर्सन। जो सूरत फातह पढ़ता है, अल्लाह उस शख्स की दुआ कबूल करता है। दिस सूरह इज सो इम्पॉर्टेंट दैट एट द टाइम ऑफ इट्स रिवेलेशन, एंजल गैब्रियल अलैहिस्सलाम केम विद 70,000 एंजल्स। ये सूरत बहुत अहम है नज़्वल के लिहाज से। जिब्राइल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ आए थे सूरह फातह जब आई थी। इसके आगे है सूरह फातह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट गाशियस मोस्ट मर्सीफुल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है। Praises belongs to Allah, the Lord of all the worlds. Alhamdulillah Rabbil Alameen. तमाम तारीफ़ात अल्लाह के लिए हैं जो कि दुनिया का रब यानी के मालिक है। Most gracious, most merciful. Ar-Rahman Rahim. बहुत मेहरबान और बहुत रहीम है। The master of the day of Rukatal. वो कयामत के दिन का मालिक है। मालिक यौमिद्दीन। The master of the day of Rukatal. वो कयामत के दिन का मालिक है। इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। You alone do we worship and from you alone do we seek help. या कनाबुदो या कनस्तैन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। अहदिना सिरातल मुस्तकीम, टेक अस ऑन द स्ट्रेट पेथ। हमें सीधे रास्ते की तरफ ले जा। सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम, द पेथ ऑफ दोज ऑन होम You have best words, your grace. Sirat al-lazeen an'amta alayhim. Sirat al-lazeen an'amta alayhim. Rasta un logon ka dikha jin par tu ne ne'mat ki hai. Ghayr al-maghzoob alayhim wal-zaleen. Ghayr al-maghzoob alayhim wal-zaleen. Not of those who have incurred your worth. Nor of those who have gone astray. ना के उन लोगों का दिखा जिन पर आपका गज़ब है और ना गुमराह लोगों का। स्टूडेंट्स, ये था हमारा ये आज का लेक्चर पेज नंबर 10, जो कि सूरह फातह दी गई है और सूरह फातह की मीनिंग्स भी समझाई गई हैं। इसमें सूरह फातह आपने याद करनी है वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ, जैसे मैंने आपको आज पढ़ाया है इसी तरीके से आपने याद करना है। और 2 टाइम आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है, 5 टाइम आपने घर में बैठ के इस सूरत को पढ़ना है विद मीनिंग के साथ। आज का हमारा ये लेक्चर था, यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पेज नंबर 10 की एक्सरसाइज हल करेंगे। जब तक हम एक्सरसाइज हल करें तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।